नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट सुख चौधरी। साथियों, आज अपन बात करेंगे मलेशिया से रिलेटेड। हालांकि काफ़ी टाइम से मैं मलेशिया से रिलेटेड अभी वीडियो अपन बनाने दोबारा से स्टार्ट करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कैसे क्या सिस्टम हुआ है। तो शॉर्टली तरीके से आपने कुछ कमेंट किए थे, उसका आंसर देने की मैं कोशिश करूंगा। महेंद्र चौधरी बोलते हैं, सर मलेशिया में एयरपोर्ट पर जाने के बाद कोई सूचना नहीं है, 10 दिन हो गए हैं, 10 दिन हो गए हैं, पता नहीं चल पा रहा है, पुलिस ने पकड़ लिया क्या उनको? भाई देखिए, एयरपोर्ट क्रॉस होने के बाद अगर आपको, सीधी सी बात है, 10 दिन हो गए हैं, पता क्या लगेगा यार? इमिग्रेशन क्रॉस कर लिया शायद आप काउंटर सेटिंग से, किस तरह से आप इलीगल तरीके से इंडिया आ रहे होंगे, तो वो तो धरे गए भैया। अब वो तो उनका तो केस भी हार्डली तरीके से बनता है, क्योंकि एक तो इलीगल वर्कर से ऊपर से 420 कर दी, तो दो डबल मुकदमे बनते हैं उस पर। तो आप वहाँ पर ट्राई करने, बाकी ट्राई करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो इमिग्रेशन ने पकड़ लिया तो वो अंदर है भाई। तो आप अपने हिसाब से किसी को भेज भाज के कैसे क्या करते हो, वो अलग प्रोसेस होगा। हरिकांत कोहली बोलते हैं, भाई एड्रेस भी बता दो एम्बेसी का, बहुत लोगों ने मालूम नहीं है एड्रेस। भाई पहले भी मैंने बहुत बार एड्रेस बताया, बाकी मैं साइड में डाल दूंगा, आप इसमें चेक करके इंडियन एम्बेसी का एड्रेस चेक कर सकते हैं। मोनू यादव बोलते हैं, सर जी राम राम। सर मैं नाउ टाइम मलेशिया में हूँ, मेरा पासपोर्ट लॉस हो गया है, मेरे पास कोई पासपोर्ट की फ़ोटो भी नहीं है, क्या कुछ नॉलेज देना, पासपोर्ट की फ़ोटो कॉपी कहाँ से मिलेगी? भाई देखिए, पासपोर्ट आपका है और पासपोर्ट आपने गुमा दिया, कितनी मूर्खता की बात है यार। पासपोर्ट तो कम से कम गुम जाता है, लेकिन फ़ोटो कॉपी तो होनी चाहिए, घर में होनी चाहिए, एजेंट के पास अगर नहीं मिले तो घर पे तो फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए ना। आजकल तो लोग मोबाइल में भी रख लेते हैं। तो इसका अल्टरनेट में बता दूँ, पहली बात तो कोशिश करें कि आप फ़ोटो कॉपी मिले, आप अपने मोबाइल में चेक करें, ईमेल में चेक करें, या फिर एजेंट को, एजेंट के पास भी हो सकता है, कई बार वो मेल में इधर उधर करते हैं तो उनके पास मिल सकती है। दूसरा, घर पे चेक करें, अगर नहीं मिलता है तो भैया फिर तो, अगर ऑप्शन ही नहीं बचेगा तो फिर आपने जहाँ से पासपोर्ट अप्लाई किया था वहाँ पासपोर्ट नंबर तो होंगे मोबाइल में, कैसे भी तो वहाँ से आप पासपोर्ट की कोड नंबरों के आधार पर निकलेगा, ये अल्टरनेट है। बाकी पासपोर्ट का पहली बार ऐसा केस आया कि पासपोर्ट ही नहीं है, अगर फोटोकॉपी होती है तो आउट पास बन जाता है, तो आपका क्या समाधान होगा? ये इसी में से 4-5 समाधान है, इसी में से निकालने की आप कोशिश करें। आगे एक भाई बोलते हैं, लीलाधर साहब बोलते हैं, सर ब्लैक लिस्ट बंदा वापस कैसे आएगा, क्या इंडियन एम्बेसी से वाइट पासपोर्ट दोबारा बन सकता है, प्लीज़ सर हेल्प मी। बिल्कुल भाई, अगर आप ब्लैक लिस्ट हो चुके हो, आप वहाँ पे हो, आपके पास वाइट पास है, अगर खो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा बन जाएगा, दूसरा आप आवेदन करें, कोई रीज़न आपको कुछ भी आपको देना होगा, वहाँ से आपका दूसरा आउट पास बना के आप इंडिया आ सकते हैं, जो अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, तो आप अप्रैल में ट्राई कर लें। ललित कुमार लेते हैं, इस कुमार बोलते हैं, सर नमस्ते, मलेशिया का वर्क परमिट वीज़ा कितना खर्चा आता है टेलरिंग कटिंग मास्टर का? देखिए भैया, मलेशिया का वीज़ा का तो मत पूछो यार, अलग अलग वीज़ा की अलग अलग कैटेगरी हैं, लेकिन आप जिस वीज़ा में बात कर रहे हो, ये A2A वीज़ा है, तो मेरे हिसाब से लाख के अंडर ये वीज़ा आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, सर मैं मलेशिया से रिटर्न हूँ, मलेशिया में बैन कितने साल का लगता है? भाई मलेशिया से आप रिटर्न हो, मलेशिया का बैन कम से कम 5 ईयर्स का लगता है, बाकी वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, आप वहाँ लड़ाई झगड़े कर लेते हो, मुकदमा लग जाता है, तो वो तो लाइफ टाइम बैन हो जाता है। बाकी नॉर्मली तरीके से आप इलीगल आए हो तो 5 साल का बैन इस पर लगता है। तो साथियों, ये मलेशिया से रिलेटेड बिल्कुल शॉर्टली तरीके से मैंने वीडियो बनाया, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर रोज़ नए टॉपिक पर आपको इसी तरह से नई नई जानकारी मिलती रहे, जिससे धोखाधड़ी का शिकारों से बच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।